तो इतनी सी चीज, लेकिन आपको एरर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है। देखो आपको डिटेल में पढ़ना क्या है, एरर के साथ आपको स्टैट्स पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे करेंगे। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था मीन मीडियन मोड, ये सब पढ़ा हुआ है? मीन मीडियन मोड ये सब पढ़ा हुआ है आपने? यस। तो बिल्कुल जैसे आपने स्टैट्स क्लास 10th तक करा होगा उसी तरह का स्टैट्स हमें एरर के साथ करना है। एरर को थोड़ा सा आगे हम लेके चलेंगे, स्टैट्स करेंगे और कुछ नहीं। सो आज कोई नया बच्चा मुझे दिख रहा है, कायनात आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ? ना जस्ट अभी एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नंबर 2 ही कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक कंप्लीट किया, डेमिशन, ये सेकंड टॉपिक है व्हिच इज एरर। आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू, इस डिफरेंस को आप एरर कहेंगे। अब देखो एरर के साथ स्टार्ट कितना करते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दूं तो देखो, मान लीजिए आपको मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई, लेट A1, A2, A3, AN, BN रीडिंग्स। हाँ हिमांशु जस्ट अभी शुरू हुआ, आपने N ऑब्जर्वेशंस ले, A1, A2, A3 अप टू AN, N ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो सकती हैं, एक वायर है उसकी लेंथ आप मेजर कर रहे हो, पहले L1 रीडिंग आई, फिर L2 आई, फिर L3 आई, फिर LN आई, या आप कुछ और काउंट कर रहे हो, करंट काउंट कर रहे हो, एन ऑब्जर्वेशंस नहीं, वो एन रीडिंग्स है। सारा खेल इन एन रीडिंग्स को यूज कर कर करना। सबसे पहले वो आपसे कहेगा ट्रू वैल्यू बताइए, ट्रू वैल्यू कितनी हो, ट्रू वैल्यू, या इस ट्रू वैल्यू को आप ये भी कह सकते हो दिस इज मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू इज सिंपली द मीन ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग्स। इन एन रीडिंग्स का मीन ले लो, तो मीन आप कैसे लेंगे, A1, A2, अप टू AN डिवाइडेड बाय N। आपने इन सारी रीडिंग्स का मीन ले लिया, ये आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू हो जाएगा। ट्रू वैल्यू के बाद एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, ये जो इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं, भाई ये 1.5, 1.2, 1.4, ये क्या बेवकूफी है? तुम्हें कुछ पूछना है तो चैट रूम में लिखो। और एक भाई अपना नाम बताइए मुझे, ये 1.5, 1.2, 1.4 क्या नाम होता है, नाम बताइए मुझे, वरना फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे। चलो जी गया भाई। हाँ देखिए एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इस मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा A1 से, तो ये मीन वैल्यू है AN, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A1, इनमें जो डिफरेंस होगा वो एब्सोल्यूट एरर, तो उसे आप लिख सकते हैं AN माइनस A1। ऐसी सेकेंड क्वांटिटी में आप एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हो विच इज AM माइनस A2। ऐसी ही आप nth ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं विच इज डेल्टा AN विच इज AM माइनस A। तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद नेक्स्ट जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है सबका मीन ले लीजिए। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप मीन लें तो आप इन्हें मॉडुलस में रखें। सो इट्स डेल्टा A1
प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन। नहीं अजलान, सब अलग अलग हो सकते हैं ना, सबकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, ए वन ए टू ए एन सब अलग अलग होंगे, मीन वैल्यू तो अलग है, इंडिविजुअल वैल्यूज अलग है ना, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अलग अलग आएगा। डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू मॉड ऑफ डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन। सामिया, डेल्टा चेंज शो करता है फिजिक्स में, ये जो डेल्टा है ये बताता है चेंज कैलकुलेट किया, अगर दो चीजों को सब्ट्रैक्ट किया आपने जो चेंज आया उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। दैट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछता है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। सो देखो फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर का क्या मतलब, इट्स मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे आप मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, सो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, इसे आप फ्रैक्शनल एरर कहेंगे। मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है साजिद, ये जो सबस्क्रिप्ट में एम आ रहा है इसको मीन वैल्यू, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। इसके बाद लास्ट टाइप का एरर आएगा जिसे आप कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज सिंपली ये जो फ्रैक्शनल एरर है, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एरर होगा दैट एरर इज परसेंटेज। इसके आखिर में एक चीज और कहता है आपसे न्यूमेरिकल में, देखिए इन सब की कोई डेरिवेशंस नहीं है जो मैं आपको डिराइव कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स है। आपको एन रीडिंग्स देगा, कहेगा ट्रू वैल्यू निकालो या मीन वैल्यू, सबका मीन ले लो। एब्सोल्यूट एरर वो आपसे पूछेगा मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज, लाइक मीन वैल्यू में से ए वन सब्ट्रैक्ट कर दो डेल्टा ए वन, मीन वैल्यू में से ए टू सब्ट्रैक्ट कर दो डेल्टा ए टू, ऐसी डेल्टा ए एन। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सारे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर कर एन से डिवाइड कर दो, मीन ले लो तो मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स परसेंटेज एरर। इसके बाद वो आपसे कहेगा भाई आंसर रिपोर्ट करो विद एरर लिमिट। आंसर विद एरर, तो देखिए आंसर विद एरर लिमिट में क्या होगा, आप ऐसे लिखो मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये सिर्फ ये बताता है कि मान लो तुमने एक वायर की लेंथ मेजर करी 5 और मैंने ऐसे लिख दिया 5 प्लस माइनस 0.1, तो सिर्फ ये बता देगा 0.1 ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे कहते हैं ना, आपने कोई चीज मेजर करी कितना एरर हो सकता है 0.1, 0.1 ज्यादा भी हो सकता है 0.1 कम भी हो सकता है। तो ये आंसर विद एरर लिमिट होगा। और एक मेथड और होता है आंसर विद एरर लिमिट के लिए, दैट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, ये आ जाएगा। इसमें मुझे डाउट्स बताना शुरू करिए, जाबिर ये प्रिसिशन की बात क्या। अच्छा देखिए साजिद, फ्रैक्शनल एरर इज सिंपली ये जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर लिया है, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होगा उस रेशियो को फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। बेसिक का डाउट और कोई, इफ़त आयशा हिमांशु, यस कायनात, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस, सब मीन एब्सोल्यूट एरर से डिराइव होगा। हाँ जाबिर, किस टर्म की बात कर रहे हो,
हाँ वहां सिर्फ एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो सबका मीन लेंगे। हाँ जी जाबिर, कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं? देखिए आपको n वैल्यूज दी है, a1, a2, a3, an, ये n वैल्यूज कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा एक वायर की लेंथ मेजर करो, 10 बार मेजर करो, 10 रीडिंग्स आई होंगी आपके मेजरमेंट्स की, ये वो 10 रीडिंग्स। सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करो, ट्रू वैल्यू के लिए आप a1, a2, an n टाइम्स ऐड करो और n से डिवाइड करो ट्रू वैल्यू, जिसे मीन भी कहते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सबको ऐड किया और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ट्रू वैल्यू और मीन। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। एम और A1 में जो डिफरेंस होगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसी A2 में चाहिए, इस A2 और AM का डिफरेंस ले लो, इट्स मीन एब्सोल्यूट एरर इनटू nth में मीन एब्सोल्यूट एरर, n से डिफरेंस ले लो। नहीं सर, ऐसा कोई फॉल्स वैल्यू नाम नहीं होता। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सब, इन सब का जो मीन होगा वो मीन आपको मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। नहीं जाबिर, आपको ये दिया होगा ना, मीन तो निकाल सकते हैं अगर आपको एन वैल्यूज दे दे, अगर ये देगा तो मीन निकाल सकते हो ना, सबको ऐड कर कर एन से डिवाइड कर दो। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लिया, बस ख्याल ये रखना है कि नेगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव कर दो। फिर फ्रैक्शनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को नो कहना, मीन वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, जो रेशियो आएगा उसे रिलेटिव एरर कहेंगे। परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये परसेंटेज एरर है। आंसर विद एरर लिमिट दो तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन वैल्यू में प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी आपको आंसर विद एरर लिमिट। जैसे अगर मैं कहता हूं आपसे 5 प्लस माइनस 0.1 है, तो 5 प्लस माइनस 1 का मतलब है कि 5 से 0.1 ज्यादा हो सकता है, 5 से 0.1 कम हो सकता है, मतलब 5 प्लस 0.1 और 5 माइनस 0.1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। अच्छा अब क्या क्या डाउट्स हैं नीचे से लेना शुरू करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा ए के बाद इक्वालिटी का साइन है, फिर ये मॉडुलस कहते हैं ना इसे, मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए। जाबिर ये पूछ रहे हो इक्वालिटी का साइन है फिर मॉडुलस है। यस कायनात एरर काउंट बी विल नॉट बी नेगेटिव, कायनात सेफ फॉल्स वैल्यू जैसा कुछ नहीं होता जी, रिलेटिव के बाद ही परसेंटेज एरर आएगा। चलिए लिख लिया, रब कर दूं इस पूरे को। भाई ये जो 1.5, 1.2, 1.4 के नाम से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। भाई चैट रूम होगा नीचे, चैट रूम आ रहा होगा, टाइप करिए नाम, मैं आपका नाम एडिट कर देता हूँ। सेफ यहाँ लगा हुआ है ना बार, मीन एब्सोल्यूट एरर में बार लगाते हैं, एब्सोल्यूट एरर में नहीं लगाते, मीन एब्सोल्यूट एरर में बार लगाएं। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइए आप अपना। अरफात, अच्छा चलो देखें आज तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आता है।
इस क्वेश्चन को लिखते जाइए, आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा इसे। चलिए भाई शुरू हो जाएगा। सब आएगा, सब प्रोपोगेशन, एक चीज तो करो, आएगा प्रोपोगेशन भी आएगा। अरफात आपको समझ में आई अब तक हमने जो किया? बस अभी स्टार्ट किया है चैप्टर। अरफात ओके चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। साजिद का आंसर सही है भाई, कैलकुलेट करो और चैट रूम में लिखते चले जाओ, जो पार्ट कैलकुलेट हो रहा है उसे लिखते चले जाओ। अरफा तुम्हें ना इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई है, 2.4 है, 2.4649, तुम्हें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो सबको ऐड करो और एन से डिवाइड कर दो। अजलान सही आ रहा है, सादिया गलत है। अरफा ट्राई करो फिर तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा एक बार। अजलान का सही आ रहा है, सादिया का गलत है, और किसी से मीन वैल्यू भी नहीं हो रही कैलकुलेट। जाबिर का ठीक है, उजमा का ठीक है आंसर। सैयदा का गलत है, इफ्फत का ठीक है, हिमांशु ठीक कर रहा है। अरे बस ऐड कर कर डिवाइड कर देना यार इनसे। हाँ दीव का सही है, हाँ जाबिर एब्सोल्यूट एरर 5 क्वांटिटीज का निकालना होगा। तो जब तुम लेंथ की मीन वैल्यू लोगे ऐसी तो करोगे, सबको ऐड कर दो, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 5। हाँ रफात सही आ रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट्स 12.41 बाय 5। कायनात मीन वैल्यू इतनी आएगी, 12.41 बाय 5। चलो यहां तक आ गया, अब इसके बाद एक काम करिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए। डेल्टा L1 निकालो, फर्स्ट में 0.01 आ रहा है, इसे राउंड ऑफ कर देता हूं मैं, 2.48 हो जाएगा। सेकंड में एब्सोल्यूट एरर निकालो,
हिमांशु मीन वैल्यू ये जो कैलकुलेट की है, मीन वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है, आप लिखते जाइए, मैं भी चेक कर रहा हूँ आंसर्स. ठीक आ रहा है जाबिर, सब ट्रैक करो, होने दो नेगेटिव, कोई परेशानी नहीं. ओके चलो, मीन एब्सोल्यूट एरर इफ्फत का आया 0.01. हाँ दी, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सबको पॉजिटिव करना. सो मीन वैल्यू इज 2.48, L1 इज 2.48 इक्वल टू 0. भाई कुछ लोगों के बिल्कुल आंसर्स नहीं आ रहे हैं. इरम, मुशर्रफ, सामिया, अमर, साकिब, ये सब एब्सोल्यूट एरर. 2.48 माइनस 2.46 ये आ जाएगा 0.02. 0.02 होगा. हाँ हिमांशु, पार्ट्स तो सही आ रहे हैं तुम्हारे. 2.48 माइनस 2.49 तो ये आ जाएगा माइनस 0.01. कायनात 0.02 होगा बच्चे. नेक्स्ट है 2.48 माइनस 2.50, इट्स माइनस 0.02. इट्स 2.48 माइनस 2.48. भाई ये बताइए, ये ज्यादातर लोगों का तो मैच कर रहा था, एक आध बच्चे गड़बड़ कर रहे थे. यहां तक क्लियर है सबका एब्सोल्यूट एरर तक? मुशर्रफ, साकिब, वासिफ, इरम, ले सकते हैं असलम, आप 2.482 भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप सब ट्रैक करेंगे, वो खास डिफरेंस नहीं आएगा. अब इसके बाद हाँ, मॉडुलस का रोल है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस. तो जब आप थर्ड पार्ट में मीन एब्सोल्यूट एरर लोगे तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा एल बार, तो सारे मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना होगा, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का. तो आप लिखोगे मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 0.02 प्लस मॉड ऑफ माइनस ऑफ 0.01 प्लस मॉड ऑफ माइनस ऑफ 0.02 प्लस मॉड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 5. हाँ, तो जब अगर इसको ऐड कर दें तो ये तो 0 हुआ, तो ये आ गया 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02. अच्छा लास्ट वाला तो 0 है ना, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5 हो गया. तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे भाई कितना आएगा ऐड कर 0.02 0.04 0.05 0.05 by 5, तो डेल्टा एल बार आ गया 0.01. अब रुको एक मिनट, कुछ डाउट्स हैं. सामिया नहीं, डेल्टा नहीं, मॉडुलस, ये जो मॉडुलस है ना, ये जो मॉडुलस लगे हुए हैं ये वाले,
ये मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। चलो निमिर अभी चेक करते हैं, तो ये हिमांशु का आंसर सही आ रहा था, निमिर का भी सही आ रहा है, नबील का भी सही आ रहा है। चलो और तो किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया। अब इसके बाद जरा रिलेटिव एरर निकालिए और फिर परसेंटेज एरर निकालिए। अरफात नहीं हो रहा ये, चलो जाबिर का भी ठीक आ रहा है, हो गया था। अरफात अब वो कैलकुलेट करो जरा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया था, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो और फिर परसेंटेज एरर। जहां पर मर्जी ए वन ए टू ले लो, एल वन एल टू ले लो, वो तो नाम है जस्ट। रिलेटिव के लिए इसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, 0.04 आ रहा है, ठीक है उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। हाँ जाबिर दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अजलान एक बार चेक करना कैलकुलेशन, उसमें मीन वैल्यू लेंगे, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। जाबिर किस एरर की बात कर रहे हो एक बार बताओ, कौन से एरर की कहानी पूछ रहे हो, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव मीन वैल्यू लेंगे, मीन वैल्यू और रिलेटिव एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है मांझू। अभी चेक करता हूँ नबील, बस मैं वही देख रहा हूँ कि आंसर क्या आना चाहिए। रिलेटिव एरर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, एरम का आया 0.004, तो दिस इज 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48 है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ये रहा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, जो यार मुझे कैलकुलेटर यूज करने दो, पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाय 2.48, इट्स 0.0040। ये आया रिलेटिव एरर, इसके बाद चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए बस इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक का नहीं लिया जाबिर मैंने, मीन लिया। देखो यहां भी ऊपर भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, नीचे मीन वैल्यू है, जब ये रिलेटिव निकालते हैं तो मीन यूज करता है। परसेंटेज एरर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, नहीं जाबिर ऐड करके देखो यहाँ मीन वैल्यू कैसे आई थी, सबको ऐड कर 5 से डिवाइड किया था है ना, मीन ऐसे आया था। ऐसी मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या किया था, सबको ऐड किया था फिर 5 से डिवाइड किया था। मीन ले रहे हैं जाबिर, मीन मल्टीप्लाइड बाय 0.0040 मल्टीप्लाइड बाय 100 is 0.4%। भाई बताइए क्लियर है यहां तक, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो फिजिक्स ना बहुत इंटरलिंक्ड है, ये बिगड़ेगा तो मैं नेक्स्ट सेक्शन नहीं सिखा पाऊंगा आपको किसी भी हाल में। ज्यादातर लोगों के आंसर्स आ रहे थे तो मुझे अंदाजा है कि वो कर रहे हैं, एक मुशर्रफ का आंसर नहीं था, एक इफ्फत का आंसर नहीं आया, मुझे नहीं पता ये लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। साथ तुम्हारा था एक आद नहीं था मुशर्रफ का, चलो फिर शायद मैंने मिस किया। भाई इसमें कोई डाउट है किसी का, क्योंकि नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इसी पर डिपेंड करता है, इसके बिना नेक्स्ट सेक्शन नहीं हो सकता।
अरफात क्लियर है ये? ओके जाबिर, परसेंटेज के लिए जो तुम्हारा रिलेटिव एरर आया ये रहा, इसे बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी तुम्हारा रिलेटिव एरर आया उससे बस मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाबिर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बस उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो देखिए सामिया, ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए ना, ये रहा 5 एब्सोल्यूट एरर्स हैं, आपको इन 5 का मीन निकालना है। लेकिन मीन के लिए ख्याल रखिएगा कि आपको मॉडुलस लेना होगा। मीन का मतलब है मॉडुलस लेना होगा। सबका मॉडुलस ले लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 0.05 बाय 5 0.01 हो जाए। सामिया क्लियर हुआ? बस मीन एब्सोल्यूट लेते हुए ख्याल रखना है कि नेगेटिव है उसका भी पॉजिटिव बनाना होगा। रब कर दूं इसको? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये सबसे होना चाहिए। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रीडिंग्स गिवन है। हाँ जाबिर, नेगेटिव को भी हमने पॉजिटिव लिया, मॉड ऐसे ही लेते हैं, जब मॉड लेते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कई वैल्यूज दी हुई है, 1.1 दिया है, 1.2 दिया है, 1.3 दिया है। फर्स्ट मीन वैल्यू चाहिए, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड परसेंटेज। एक ही तरह का क्वेश्चन है और मुझे अलग अलग आंसर्स मत बताइएगा, तीनों एक साथ, लाइक मीन वैल्यू जो भी आया आपकी, कॉमा मीन एब्सोल्यूट एरर, देन परसेंटेज एरर, एक एक करके मत बताइएगा, चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तीनों आंसर्स एक सीक्वेंस में लिखिएगा, करिए सॉल्व।
अरे ग्रेट, आंसर्स काफी आ गए। ठीक है साथी, बस अभी चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो सबका सही, फर्स्ट तो मुझे याद है तो सही है, सेकंड मुझे देखना पड़ेगा एक बार। देखो आंसर सबके आने चाहिए, कोई ऐसा ना हो तो ना करो। मीन वैल्यू का आंसर सही है सबका। अगर आप सब लोग एक साथ तीनों पार्ट लिखते हैं ना तो मेरे लिए चेक करना आसान होता। आरफात फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट में चेक करता हूँ। एक मिनट और मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर देखेंगे कौन कौन सही है। ओके कायनात ठीक है, मंशु जावेद परसेंटेज एरर तो आसान है यार, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसे मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में मीन वैल्यू चाहिए। ओके मांजू, इट्स एन वन प्लस एन टू एन थ्री बाय थ्री। सो मीन वैल्यू इज एन वन विच इज 1.1, एन टू विच इज 1.2, एन थ्री विच इज 1.3 बाय थ्री। तो ये हो गया 3.6 बाय थ्री। So, ये मीन वैल्यू आ गई 1.2, ये मीन वैल्यू है 1.2। फर्स्ट पार्ट सबका सही है, सेकंड पार्ट देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले इंडिविजुअल एरर्स को निकालने ही पड़ेंगे। इंडिविजुअल एरर्स देखो, डेल्टा एन वन क्या होगा, इट्स मीन वैल्यू माइनस एन वन। तो डेल्टा एन वन आ गया, मीन वैल्यू कितनी है 1.2 माइनस वन, ये आ गया 0.2। डेल्टा एन टू मीन वैल्यू माइनस एन टू, मीन वैल्यू इज 1.2, एन टू इज 1.2, जीरो आ गया। डेल्टा एन थ्री मीन वैल्यू इज 1.2, एन थ्री इज माइनस 1.3, माइनस 0.1। आपको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सॉरी 1.1 0.1 तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा एन वन, मॉड ऑफ डेल्टा एन टू, मॉड ऑफ डेल्टा एन थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। सो दैट 0.1 प्लस 0.1, भाई जो नेगेटिव था उसका भी पॉजिटिव कर दिया बाय 3, सो इट्स 0.2 बाय 3। 0.2 बाय 3 कितना होगा, 0.66 कुछ हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 0.2 बाय 6, 0.2 बाय 3, 0.066666, तो 0.066 लगा दिया मैंने। इसके बाद आपको चाहिए परसेंटेज एरर। भाई परसेंटेज एरर आप कैसे लिखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया 0.066 मीन वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो 0.0666 आया इसको डिवाइड कर दो 1.2 से,
5.5% आ जाएगा। हाँ कहना ना, तुम अभी छोड़ सकते हैं फाइव। और मैं सिखाऊंगा आपको, अभी ना एक टॉपिक होता है यहाँ, एरर्स के बाद है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी तो आप कोशिश कीजिए से जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में आप कैलकुलेट कर लें उतना अच्छा है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी सीखेंगे, वहां एग्जैक्ट कितना डेसिमल प्लेस में किसे छोड़ना होता है तब सीखेंगे। अभी तो आप सेकेंड और थर्ड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर लिया करो। आप डाउट्स बताइए मुझे यहां तक, क्या क्या डाउट्स है? अरफात, हिरम, भाई सबका क्लियर है? चलो गुड। वासिफ हुआ ये? अदील, अच्छा हो गया था, मैच कर रहा था अदील सर। स्कोर अप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सो एरर आपको कैलकुलेट करने आ गया। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक पार्ट और ऐड कर दूं, मैं कहूं आंसर बताओ विद एरर लिमिट, तो भाई आंसर विद एरर लिमिट क्या होगा? मैं एक फोर्थ पार्ट ऑड कर, आंसर विद एरर लिमिट। देखो यार, आंसर विद एरर लिमिट का मतलब सिर्फ इतना है कि मीन वैल्यू प्लस माइनस, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर लिख दो। तो मीन वैल्यू कितनी है? मीन वैल्यू आई थी 1.2, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था? 0.066। दूसरा तरीका हो सकता है मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, तो 1.2 प्लस माइनस 5.5%। इसको आगे नहीं सॉल्व करते कायनात, बस को यही छोड़ दो। बस ये बता रहा है प्लस माइनस के बाद वाली चीज कितना एरर हो सकता है, इतना एरर हो सकता है। रब करूं से इसको रख करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो आपको ये तो आ गया कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। अब आपको चाहिए आप एरर कंबाइन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कई चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज एडिशन। कि अगर दो क्वांटिटीज हैं जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनमें आप एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एडिशन से पहले एक चीज और देखिए। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने एक क्वांटिटी ए कैलकुलेट की, इस क्वांटिटी ए में दो पार्ट्स हैं, एक ए एम और मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये मीन वैल्यू होती है, और ये जो सेकेंड पार्ट है ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। पहली मीन वैल्यू है, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। So this is mean value and this is mean absolute error.
बार नहीं लगाया हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर के ऊपर ऐसे बार लगता है, लेकिन ऑथर्स क्या होते हैं शुरू में तो बार लगाते हैं, फिर वो बड़े कैजुअल हो जाते हैं, वो मान के चलते हैं कि बच्चे अब समझ लेगा कि इसके बाद एब्सोल्यूट एरर नहीं आता, मीन एब्सोल्यूट एरर आता है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं आपसे कहूं एक बॉडी है उसकी लेंथ है 2 ± 0.2 मीटर, तो पता है आपको कि ये 2 मीन वैल्यू होगी और 0.2 क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक क्वांटिटी ए दी हुई, एक क्वांटिटी बी दी है, इट्स बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी। भैया डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, तो लिखो जरा चैट रूम में क्या समझ में आता है डेल्टा बी देखकर, कौन सा एरर है डेल्टा बी। यस निमिर, सामिया, जाबिर, सादिया, कायनात, साजिद, एब्सोल्यूट नहीं है, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये बी क्या है, बी एम मीन वैल्यू। तो तुम्हें ए में एरर पता है, तुम्हें बी में एरर पता है, तुम्हें ये सीखना है कि जब ए और बी को कंबाइन करोगे तो क्या होगा। ए और बी को कितनी तरह से कंबाइन कर सकते हो भाई, ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं आगे पीछे ऐसा नहीं हो सकता कि डेल्टा ए पहले लिख दो और एम बाद में लिख दो जाकर, नहीं, मीन वैल्यू पहले आएगी फिर एरर आएगा, हमेशा ऑर्डर सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ए और बी आपको पता है कि आपको एक क्वांटिटी चाहिए, कंबाइन करिए, तो देखिए ए और बी को आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं, हो सकता है वो आपसे कहे कि ए और बी को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप ये तो जानते हैं कि नंबर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको सीखना है कि एरर के साथ क्या होगा। इसे पता है ए और बी को मल्टीप्लाई कर कर ए और बी की मीन वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए और बी को ऐड करने पर इनकी मीन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, बट एरर कैसे कंबाइन होगा वो आपको सीखना है। एरर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सब्ट्रैक्ट किया तो एरर सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई किया तो एरर मल्टीप्लाई हो गया ना, एरर ऐसे नहीं कंबाइन होता। एरर को आपको सीखना होगा कि एरर कैसे कंबाइन करें। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कई तरह के कॉम्बिनेशन है। पहला हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम एरर कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के बाद जो मैक्सिमम एरर आएगा हम उसे कैलकुलेट करेंगे, याद रख लीजिएगा, हमेशा हम कॉम्बिनेशन में जो भी मैक्सिमम एरर होगा वो कैलकुलेट करते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि भाई आपने कोई कैलकुलेशन करी, आपने बता दिया मेरी कैलकुलेशन में मैक्सिमम इतना आ सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो गलती आएगी वो इतनी आएगी, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो बस वही लॉजिक है कि आप हमेशा अपना मैक्सिमम एरर लिखोगे। एक बात बताओ, अगर दो एरर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक आ रहा है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कौन सा मैक्सिमम है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? देखो हिमांशु की बात समझ में आई, सादिया का भी सही है, सामिया, सैफ, वासिफ, नहीं सेकेंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला। भाई देखो फर्स्ट में दोनों ऐड हो रहे हैं, सेकंड में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, हम तो मैक्सिमम वाला लेंगे जहां ऐड हो रहा है। सो आपको क्वांटिटी ए पता है, बी पता है, वो आपसे कहता है ए और बी को ऐड कर दीजिए, तो जब आप ए और बी को ऐड करोगे, हाँ नबील देखो, एक है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर ऐसे भी कंबाइन करते हैं और आप एरर ऐसे भी कंबाइन कर रहे हो, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो देखो जब आप यहां कंबाइन कर रहे हो ना, तो दोनों को ऐड कर दिया, यहां सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो क्वांटिटी कम आएगी, ऐड करने के बाद ज्यादा आती है, इसीलिए ये मैक्सिमम है ये कम है उसे। और जब भी हम एरर कंबाइन करते हैं हम जो आंसर लिखते हैं वो लिखते हैं मैक्सिमम, तो आप हमेशा अगर इन दोनों में ऑप्शन होगा तो आप इसे लिखोगे एरर। जी नबील अब आया, अच्छा
तो देखिए अगर आप दो क्वांटिटीज को सब ऐड कर रहे हैं, ए और बी को अगर आप सब ऐड करते हो, मॉड्यूल यहां तो एक तो मॉड्यूलस कहीं नहीं आ रहा सामिया, मॉड्यूलस नहीं नहीं सामिया फर्क है, देखो माइनस टू का मॉड्यूलस प्लस टू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि टू माइनस थ्री का मॉड्यूलस टू प्लस थ्री हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं हो जाता। सो ए प्लस बी था, ए था मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन ए, बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन बी। अब एक सीधी सी चीज याद रखो कि हमेशा एरर एरर के साथ कंबाइन होगा, मीन वैल्यू के साथ कंबाइन होगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी चाहिए तो इसको अलग अलग करके लिखो, इसको ऐसे लिख दो ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी, इन दोनों को कंबाइन कर दो अलग, मीन वैल्यूज को एरर को अलग कंबाइन कर दो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी हो गया ए की मीन वैल्यू प्लस बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन ए प्लस माइनस एरर इन। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, इसे आपने लिख दिया ए की मीन वैल्यू प्लस बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस आपने कॉमन ले लिया, इसे लिख दिया डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो आप जब दो क्वांटिटीज को कंबाइन करेंगे मीन वैल्यूज अलग कंबाइन होंगी और एरर कौन सा ऐड हो रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं लेंथ है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर और एक लेंथ और है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, मैं आपसे कहता हूं इन्हें ऐड कर दीजिए, मीन वैल्यू को मीन वैल्यू के साथ ऐड करोगे 2 प्लस 3, एरर को एरर के साथ ऐड करोगे 0.2 प्लस 0.3। सो ये होगा L1 प्लस L2 इज 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। भाई यहां तक बताइए क्लियर हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं सब, इफ्फत हुआ था, लिखिए लिखिए लिखिए। जाबिर सैफ जब हो जाए तो बताइएगा मुझको। चलिए इसको रखो था, सब्ट्रैक्शन और सीख लीजिए। सो
अगर मैं आपसे कहता हूं ए और बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो दैट्स एम प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस माइनस बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग अलग कर दीजिए, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी एम। अब देखिए नेगेटिव के बाहर माइनस साइन आ रहा है, तो मुझे बता सकते हो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अगर इस ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव लगा हो? फिर मैं देखना चाह रहा हूं तुम कितना टेंस से सीख कर आए हो। दोनों साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस प्लस होगा, दोनों चीजें हैं प्लस बी और माइनस बी, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसी होगा। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे मैंने माइनस प्लस डेल्टा बी कर दिया। अब देखना सब इतना तो तुम्हें बताएगी, ये दोनों तो अलग कंबाइन हो जाएंगे। फर्क पड़ेगा देखना भी, ए एम माइनस बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। अच्छा अब ये एग्जैक्टली कितनी टर्म्स है मुझे बता सकते हो? ये कितनी टर्म्स है? दो तीन चार पांच छह, कितनी टर्म्स है जो आखिर में जो दो ये लिखी हुई है? ये टोटल टर्म्स कितनी है? गुड सामिया, यस फोर वाले ठीक है, सात गड़बड़ कर रहे हो। उजमा सैफ इफ्फत सही है, कायनात सही है, आयशा ठीक कह रही है, आरफात क्वेश्चन नहीं समझ में आया। कितनी टर्म्स है? ये फोर टर्म्स है। फोर कैसे आएंगी? इट्स ए एम माइनस बी एम, इसे लिखो प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा ए, दोनों कॉम्बिनेशन आएंगे ना, माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी। सो कौन कौन से कंबाइन करोगे? देखो प्लस वाले के साथ कंबाइन करो, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ। तुम्हें तो मैक्सिमम चाहिए तभी तो ऐड होगा, इसको और इसको कंबाइन कर दिया तब तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको ओपन करने का स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, इसको ऐसे ओपन करो, देखो इसका प्लस और इसका माइनस साइन ले लो, इसका माइनस और इसका प्लस साइन ले लो, इसे इसके साथ कंबाइन करो, इसे इसके साथ कंबाइन करो ताकि दोनों ऐड हो जाए। तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, इट्स ए एम माइनस बी एम प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। माइनस साइन यहां से कॉमन ले लीजिए, इट्स ए एम माइनस बी एम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस साइन यहाँ कॉमन लोगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो देखो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नेगेटिव साइन के साथ भी आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पॉजिटिव साइन के साथ भी आया। तो इसे आप सिंपल ऐसे लिख दो, इट्स ए एम माइनस बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हो रहा है, एक बार नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो रहा है। तो अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो एरर नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और एरर हर हाल में ऐड होगा। आपसे कोई डेरिवेशन तो नहीं पूछता लेकिन पता होना चाहिए कैसे आएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे कहा एल है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, एल वन। एल टू है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर। मैं आपसे कहता हूं सब्ट्रैक्ट करिए, तो मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी बट एरर ना सब्ट्रैक्ट कर देना, एरर ऐड होगा। 0.4 0.3 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर कह रहा हूं ऐड होगा। सो ये L1 माइनस L2 आ जाएगा 1 प्लस माइनस 0.7।
भाई क्लियर है ना? देखिए ए और बी को आप सब्ट्रैक्ट करो, ए की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन ए, दिस इज बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन बी। ओपन ब्रैकेट ओपन कर दिया, जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया तो नेगेटिव साइन की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया इस स्टेप तक। अब इसके बाद ये तो प्लस माइनस ए आ गया, इसको और इसको मीन वैल्यू को अलग सब्ट्रैक्ट करके रख दिया, ये माइनस प्लस डेल्टा बी आ गया। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस साइन माइनस साइन के साथ जाएगा, नीचे वाला साइन नीचे वाले साइन के साथ जाएगा, जो लिखा हुआ है ना ऐसे, इसका मतलब है कि दो टर्म्स है, एक बार प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक बार माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां तक बताओ ये वाला स्टेप हुआ, अर्फात अब इसके बाद इस डेल्टा ए को देखो आपको चाहिए मैक्सिमम है, तो आपसे वो टर्म्स लेंगे जो ऐड हो रही, तो डेल्टा ए के साथ क्या ऐड होगा, डेल्टा बी ऐड होगा, माइनस डेल्टा बी के साथ क्या ऐड होगा, माइनस डेल्टा ए, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है। जाबिर इस स्टेप तक आया, नेक्स्ट क्यों मैंने प्लस प्लस वाले कंबाइन किए? जी साजी देखिए हो जाएगा, इसे लिख दिया और यहां माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को कंबाइन करके बस मैंने ऐसे लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कि आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करो तो मीन वैल्यू जरूर सब्ट्रैक्ट होंगी बट एरर हर हाल में ऐड होगा। जाबिर अरफात चलिए अगर आ गया तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अच्छा ये बताइए तो आपको क्या दिख रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा एरर कंबाइन कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, कौन सा एरर कंबाइन हुआ है? मीन एब्सोल्यूट एरर, कि जब आप क्वांटिटीज को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन होता है। सो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मीन एब्सोल्यूट एरर in result is sum of mean absolute error of individual quantities. तो रिजल्ट का मीन एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज के मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करने के बाद है। चलिए लिख लीजिए, भाई वो इतना आगे बढ़े। ओके
हिमांशु बस इतना ही किया कि जब क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन करें। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको एक टेम्परेचर दिया है T1 विच इज 4 प्लस माइनस 0.4 केल्विन, T2 आपको दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 केल्विन। कैलकुलेट टी विच इज T1 माइनस T2, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टी। टी में परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करके दिखाइए कितना आ रहा है, करिए जरा। नहीं पर यहां तक तो ठीक है, परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करो जरा, परसेंटेज एरर कितना है। कहना था गलत कर रही, क्वांटिटीज को तो सब्ट्रैक्ट करिए। साजिद यहां तक तो सही है, परसेंटेज एरर और क्या ठीक है वासिफ, परसेंटेज एरर ठीक है, जाबिर ठीक आंसर है, आशा ठीक है, सामिया अजलान तुम शायद मल्टीप्लाई करना भूल गए किसी चीज से, अदील सही है आंसर, कायनात ठीक है, सादिया ठीक है, इफ्फत परसेंटेज एरर भी निकालिए। ठीक है हिमांशु, परसेंटेज एरर उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है दगा ठीक है, परसेंटेज एरर हिमांशु मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू इन 200। यस आयशा ठीक है आंसर, अजलान सही आ रहा है, ठीक है फिर। सो देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना दोनों को तो मीन वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा, बट जो एरर होगा वो एरर ऐड होगा। तो आ गया 2 प्लस माइनस 0.6 क्या। तो जब आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे मीन वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी बट एरर हाल में ऐड, जब आप परसेंटेज ये टी आ गया आपका टी विच इज 2 प्लस माइनस 0.6, तो ये टी की मीन वैल्यू नहीं, कायनात गलत आ रहा है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। परसेंटेज एरर क्या सिखाया था, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.6 by 2 into 100, 0.3 into 100, 30%।
भाई क्लियर हुआ ये? चलिए गुड। हाँ साथ अभी तो टाइम है, 30 है, 7 मिनट है। चलिए इसको रब कर रहा हूँ मैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके समझ में हो गया, जब क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप उनके मीन एब्सोल्यूट एरर्स को कंबाइन करते हैं। सेकंड रूल आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्टार्ट तो कर ही कराऊंगा, अगर मैंने आज स्टार्ट कर भी दिया तो फिर मुझे फ्राइडे दोबारा से करना होगा। बस एक स्टेटमेंट लिख लो, सो फ्राइडे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, बस एक क्लास और चाहिए। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन relative error in result is sum of relative error of individual quantities. जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर्स को ऐड करके आता है। इसे हम आज नहीं करेंगे, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। तो बस एक रूल और रह गया तो फ्राइडे चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आप में से जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, जिनका डायमेंशन छूटा हुआ है, उन्हें बैकअप मिलेगा डायमेंशन का, बट संडे के बाद, अभी नहीं, संडे तक तो इसी को करिए एरर को, उसके बाद फिर बैकअप देंगे। अरफात है, इफ्फत है, कायनात, इन सब का जो छूटा हुआ है बैकअप मिलेगा आप लोगों को, लेकिन संडे के बाद। कोई नहीं नबील, आयशा आपका तो वीकेंड्स में हुआ है।